आज कृषि मंत्री ने कहा कि थोड़ा नरम रहिए, आप लोग थोड़ा नरम रहिए। अभी हम तो नरम ही तो हम गरम हुए कहाँ। कहा गया कि महिलाओं को आंदोलन से बाहर करो और बच्चों को, तो आप लोगों ने अभी महिलाओं को नहीं भेजा है, क्या आपकी राय है? अपनी तो छोड़ दी, इनकी भी छुड़वा दे। अरे जो कह रहा ना फंडिंग की, उन कुत्तों से ये पूछिए कि हमने पूछी कि तेरे चुनाव में फंडिंग कहाँ से आवे। किसान आदमी गाजर मारे, गोभी मारे, आलू मारे, टमाटर मारे, सब चीज तो मारी तो खावेंगे हम, ये तो रामदेव का मूर्ति पीवेंगे। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। क्या मामला है, व्यापारी को क्यों टारगेट कर देते बार बार आप? एक बात तो बता दे, गाय तो मारे और मूत बेच रहा 90 रुपए लीटर, वो उसका गाय का मूत 90 रुपए लीटर और उसी गाय का दूध हमारा 30 रुपए लीटर। तो सब यही तो हम पूछना है कि मूत 90 और दूध 30, तो एक काम करना, स्वदेशी आता हुआ, स्वदेशी माल है, स्वदेशी माल है वो। हमारी गाय कौन सा अमेरिका से आई? राष्ट्रवादी पत्रकार रजत शर्मा कह रहे हैं कि एक दो साल कानून को लेके देखिए आप। क्यों भैया, यो कोई सर्फ है, पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। जो भी नजर में वो असली है नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली। मोदी तो कहता कि हम फकीर हैं, हम किसी से कोई मतलब नहीं है, किसान नहीं है। मोदी जी कहते झोला उठा के हम चल देंगे, फकीर हैं तो देश को दिया ही क्या, झोले में लेकर जाएगा। मैं साथ देवांगे इसका। आपके 2000 भी नहीं आए होंगे अकाउंट नहीं है तो। जब मैं खाता ही ऐसे कुत्तों से मैं पैसे ले रहा हूँ। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, इनकी तरह ना ड्रामेबाज के कहीं जाएगा, गंगा माँ ने बुलाया है, जमुना माँ ने बुलाया है। गजब बेइज्जती। किसान की पहचान हरी पगड़ी है और आप आज झूला लगाए हुए व्हाइट, जरा सा पीछे को जाइए भाई। किसान ने ना कफन भी बांध रखा है भाई। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। पैंसठ साल जो सरकार रही उस पे एक सवाल आपका। जो नालायक थे वो चले गए, अच्छे समझ के लाए थे, हमें क्या पता ये नालायक से महानालायक निकलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन सा काम करा, रेल बेच दी, हाँ करा, रेल बेच दी अडानी को दे दी, हवाई जहाज बेच दिए अडानी को दे दिए, LIC बेच दी इन्हें दे दी, ONGC बेच दी अंबानी को दे दी, जितने भी सारे ठेके हैं यही दो ही पूंजीपति बचे इस देश में, कि जितने भी ठेके अडानी अंबानी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहता इस देश में। और जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने और फिर उसने देश को गुलाम किया था, ऐसा ही ये इनसे देश को गुलाम कराना चाहता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है भाई। इसने तो एक चीज और भी कही थी, ना खाऊंगा ना खान दूंगा, फिर शौचालय क्यों बनवाए? बताओ आप लोगों की सुविधा के लिए है। अरे जब पेट में ही नहीं होगा तो शौचालय में क्या करने जाऊंगा।